नमस्कार, आप देख रहे हैं आर चेतना न्यूज। मैं हूं वंदना माहौर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। गांव के लोगों ने की चोरी, मना किए जाने पर किया प्रहार। कानपुर देहात में थाना अकबरपुर के ग्राम बुढ़िया में गुड्डन दुबे पुत्र शिव प्रकाश ने बताया कि मैं दुकान गया था, मेरी माँ घर में अकेली थी, अभी मेरे गेहूँ खेत से कटवा कर घर में रखे थे। अरुण पुत्र नन्हे राजपूत मेरे घर से गेहूं की बोरी अपने सर पर रख कर लिए जा रहा था, तब तक मैं दुकान से घर लौट रहा था। अरुण को देखा और मना किया कि यह कहां लिए जा रहे हो, तो उसने गेहूं की बोरी मेरे ऊपर फेंक कर भाग निकला और मैं नाली में जा गिरा। वहीं पर गुड्डन का कहना है कि मैंने अरुण को पहचान कर घटना की सूचना चौकी इंचार्ज रुरवाहार को दे दी है। वहीं पर चौकी इंचार्ज का कहना है कि मामले में सख्त कार्यवाही होगी। इस समय ग्राम बुढ़िया में यहाँ पर कुछ लोगों ने चोरी कर ली। दिन दाड़े बाद वही समय लगभग 9 बजे था और घर के यहाँ गुड्डन दुबे के यहाँ चोरी हुई है। इन्होंने पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराया। यहाँ पर सरेआम बोरी, गेहूं की बोरी इन्होंने गेहूं काट कर अपने दरवाजे रखा था। कुछ गाँव के लोग हैं, अब देखते हैं गुड्डन दुबे से इस बात की चर्चा करेंगे कि किस कारण वैसे कौन से लोग थे जो इन्होंने इनकी बोरी चुराई है। और वो सरेआम इनका प्रूफ भी दिखा है, यहाँ पे गांव के भी लोग इकट्ठा हुए हैं, पुलिस प्रशासन भी है। अब देखते हैं, गुड्डन दुबे से पूछते हैं कि गुड्डन दुबे, आपका क्या नाम है? श्री प्रकाश दुबे जी, बताइए आपके यहाँ चोरी हुई थी तो आप कहाँ थे? पेप्सी लेकर आ रहे थे। तो ये चोरी किसने की, कौन था? अरुण पुत्र नन्हे। जब आपने उनको मना किया तब उन्होंने क्या किया आपके साथ? हमारे ऊपर बोरी फेंक दी और हमको गिरा दिया। गिरा दिया, बोरी आपके ऊपर फेंकी? हाँ। हैं? तो आपने उनका पीछा किया? हाँ। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद चौकी गए, पुलिस प्रशासन आए। यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी आए। अब इनसे भी हम इस बात की, सर आपको ये चोरी जो है इनकी, शिव प्रकाश के यहाँ चोरी हुई है, इसमें इनका कहना है कि अरुण पुत्र नन्हे ने चोरी की है और मेरे यहाँ जो है बोरी हमारे ऊपर सर पर फेंक दी और इनको यहाँ नाली पर गिर गए हैं। तो इस मामले को आप किस संज्ञान से लेंगे? चोरी किया तो जेल जाएगा, और क्या होगा, इसको जेल जाएगा, निष्पक्ष कार्रवाई होगी। यहाँ पे हमारे चौकी इंचार्ज हैं, उनका कहना है कि ये जो चोरी हुई है इन पर निष्पक्ष कार्रवाई होगी, इसमें किसी प्रकार की कोई ढीला ढफाई नहीं।